अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, होप यू विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता ही होगा कि अभी तक के लिए हमने एक्सरसाइज 12.2 के वो सभी क्वेश्चंस को कंसीडर किया है बेटा, जिनमें हमें एरिया ऑफ सेक्टर पूछा गया था, बिकॉज दे वर सिस्टर प्रॉब्लम्स ऑफ ईच अदर, दे विल बियर द सेम काइंड ऑफ सोल्यूशन एंड दे वर कंपेरेटिवली इजियर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.2। बेटा अब हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 12.2 के बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन जो होंगे बेटा, वो सेगमेंट के रिलेटेड में है, या तो सेगमेंट कंबाइंड विद सेक्टर और आर्क के साथ में रिलेटेड होंगे बेटा। ठीक, अब हम उन क्वेश्चंस को कंसीडर करेंगे, तो बिना अपना वक्त गवाते हुए हम अपने एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे, बिकॉज पहले 3 क्वेश्चन सेक्टर के ऊपर थे, वो हमने टैकल आरेट से किए। चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बताया गया है। अकॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेंस ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड द मेजर सेक्टर, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। बेटा कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताया गया है कि हमारे पास में एक सर्कल की कॉर्ड है जो सर्कल के सेंटर पर बेटा राइट एंगल फॉर्म करती है, उस सर्कल का रेडियस बेटा 10 सेंटीमीटर है और हमें यहाँ पे बताया गया है ये जो कॉर्ड होगी बेटा इस सर्कल की, उसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा और मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा, और पाई का वैल्यू हमें डिसिमल वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू डिसिमल वैल्यू लगाना पड़ेगा, ये दैट इज 3.14 बेटा। तो बेटा इस क्वेश्चन की जो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर है वो हमने यहाँ पे बनाई है, इसमें हमने ये भी क्या लिया है बेटा कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये भी हमने ली है बेटा कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये कॉर्ड ऑफ सर्कल सर्कल के सेंटर पर राइट एंगल फॉर्म करती है एओबी, वायर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब एंगल एओबी बेटा 90 डिग्री ही है। अब बेटा ये जो हमारे पास में सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस ओ और ओबी है जो कि 10 सेंटीमीटर है, मतलब सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है। अब बेटा ये जो कॉर्ड एबी है, हमें इस क्वाड ए बी की कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। अब माइनर सेगमेंट को ढूंढने के लिए और मेजर सेक्टर को ढूंढने के लिए वो कौन से बेटा हमें पता होनी चाहिए, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या है। बेटा क्वाड ए बी की माइनर आर्क ए एक्स बी है और क्वाड बेटा ए बी का ए बी की मेजर आर्क बेटा ए वाई बी है। अब जो बेटा क्वाड ए बी का माइनर सेक्टर होगा, माइनर सेक्टर वो सर्क्यूलर रीजन होगा जो माइनर आर्क ए एक्स बी और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कार्ड यानी कि कार्ड एबी के दरमियान आएगा, जो कि शेडेड रीजन है। हमें यहां पे पूछा गया है शेडेड रीजन का एरिया निकालो, बिकॉज़ दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ कार्ड एबी के बेटा, और इसके बाद में हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। मेजर सेक्टर का मतलब वो एरिया जो बिटवीन द मेजर आर्क एवाईबी होगा और द रेडियस ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द मेजर आर्क विद द सेंटर ऑफ सर्कल ओ के साथ मिलेगा हमें, मतलब ए ओ बी वाई ये मेजर सेक्टर है, इसका भी हमें एरिया निकालना है। अब सवाल है बेटा कि हम अपने माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे। माइनर सेगमेंट का एरिया ए एक्स बी का एरिया बेटा क्लियरली वो होगा बराबर एरिया माइनर सेक्टर ए ओ बी एक्स, ए ओ बी एक्स के ऊपर माइनर सेक्टर, इस माइनर सेक्टर के एरिया में से मैं करूंगा सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एओबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, और हम एरिया ऑफ सेक्टर एओबी एक्स में से एरिया ऑफ ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे एओबी, वहां से हमारे पास में रिमेनिंग एरिया आएगा बेटा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एएक्सबी। चलिए हाल फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं और हम अपने पहले इस कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड का माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, ठीक है बेटा। तो क्योंकि यहां पे हमें जरूरत है माइनर सेक्टर का एरिया, तो माइनर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए उसका सेंट्रल एंगल और रेडियस पता होने चाहिए। सेंट्रल एंगल बेटा वो तो 90 दिया गया है और रेडियस जो हमारे पास में है वो है बेटा रेडियस ऑफ द सर्कल ही, दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो यहां पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का, हम यहां पे लिखेंगे हियर द सेंट्रल एंगल एंड रेडियस ऑफ द माइनर सेक्टर, हियर हियर द सेंट्रल एंगल एंगल एंड रेडियस ऑफ माइनर सेक्टर सेक्टर ए ओ बी एक्स इज, सेंट्रल एंगल बेटा थीटा से डिनोट किया जाता है, ए ओ एक्स बी जो हमारे पास में माइनर सेक्टर है इसका सेंट्रल एंगल बेटा वही है जो हमारे पास में कॉर्ड ए बी फॉर्म करते हैं एट द सेंटर ऑफ सर्कल, जो कि बेटा 90 डिग्री है, रेडियस बेटा 10 सेंटीमीटर है, सेम एज दैट ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है।
यहां पे हम लिखेंगे क्लियरली, क्लियरली एरिया, एरिया ऑफ माइनर माइनर सेगमेंट, सेगमेंट माइनर सेगमेंट कौन है बेटा, ए एक्स, ए एक्स बी, ठीक है बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए एक्स बी, मतलब ये आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हो, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ए ओ ए ओ बी एक्स, इसको माइनर सेगमेंट माइनर सेक्टर लिखने की कोई जरूरत नहीं बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए एक्स बी, ए एक्स बी जो शेडेड रीजन है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ए ओ बी एक्स, ए ओ बी एक्स माइनर सेक्टर या माइनर सेक्टर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल डियर स्टूडेंट्स ए ओ बी इस ट्राइंगल का एरिया, ठीक। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे बेटा, तो ट्राइंगल यहां पर लिखा जाएगा ट्राइंगल ए ओ बी, तो इसको मैं इक्वेशन स्टार लिखूंगा, इसका मतलब माइनस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमारे पास में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ ट्राइंगल होना चाहिए, तो वही हम कैलकुलेट यहां पे करेंगे। नाउ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दैट इज ए ओ बी एक्स विल बी इक्वल टू बेटा वो आएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीपल बाय पाई आर स्क्वायर, ओके बेटा, तो जो कि हमारे पास में मिलेगा थीटा का वैल्यू सेंट्रल एंगल ही है ना बेटा, वो तो 90 डिग्री है, 360 डिग्री मल्टीपल बाय 3.14 डिसिमल अप्रोक्सीमेट डिसिमल वैल्यू ऑफ इरेशनल नंबर पाई जो हमें यहां पे प्लग करना है दैट इज 3.14 मल्टीपल बाय रेडियस तो क्या दैट इज डियर स्टूडेंट्स 10 × 10 आएगा, सही बात, तो 0 डिग्री के साथ हो चला जाएगा, उड़ जाएगा, 9 × 1 = 9, 4 = 36 बेटा कुल मिला के आएगा 1/4 मल्टीपल आएगा 3.14 मल्टीपल आएगा बेटा 10 × 10 हो गए बेटा 100। अब यहां पे आएगा 1/4 बेटा 1/4 मल्टीपल आएगा बेटा, ये जो डिसिमल है ये डिसिमल दो प्लेसेस राइट में शिफ्ट होगा बिकॉज 100 के मल्टीपल करने से ही वो चीज हो जाएगी, मतलब जब मैं 100 को 3.14 के साथ मल्टीपल करूंगा ये डिसिमल पॉइंट राइट में दो प्लेसेस शिफ्ट होगा बेटा, आएगा 314, या तो बेटा 3.14 को हम लिख सकते 314/100 कैंसिल, वही मतलब है 100 के मल्टीपल करने से डिसिमल पॉइंट मूव होता है टुवर्ड्स राइट उतने प्लेसेस जितने बेटा जीरो होंगे, दो जीरो होते दो प्लेसेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा। अब इसको हम रिड्यूस करेंगे, 2 × 2 = बेटा 4 आएगा, 2 × 1 = 2 एक बचेगा वो 11 बन जाएगी, 2 × 5 = 10 तो वहां से एक बचेगा 14 बन जाएगा, 2 × 7 = 14 फिर से जो वाला 2 है डिनोमिनेटर में 2 × 1 = 2 इसको हम इसके साथ रिड्यूस करेंगे, 2 × 7 = बेटा आएगा 14 एक बचेगा वो बन जाएगा 17, 2 × 8 = 16 एक बच जाएगा बेटा, उसको 2 से नहीं डिवाइड कर सकते तो डेसिमल यहां पे चढ़ेगा वो 10 बन जाएंगे, तो 2 × 5 = 10 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस सेक्टर ए ओ बी एक्स, तो यहां पे मैं लिखने वाला हूं बेटा विच इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी एक्स डियर स्टूडेंट आएगा बराबर 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई विल नेम दिस वेरी इक्वेशन एज इक्वेशन फर्स्ट, ओके। उसके बाद में बेटा हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, बेटा किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास में वेल नोन फॉर्मूला है, व्हाट इज दैट, दैट इज 1/2 बेस इनटू आल्टीट्यूड बेटा, अगर अब अगर हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा तो सोने पे सुहागा होगा ना, मतलब इसका एरिया निकालना बहुत ही आसान होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी बेटा ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया हम निकालेंगे 1/2 बेस इनटू आल्टीट्यूड, बेस हम ले लेंगे ओ बी जो कि बेटा हमारे पास में इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल है 10 सेंटीमीटर, आल्टीट्यूड हम मान लेंगे बेटा ओ ए जो कि बेटा 10 सेंटीमीटर है बिकॉज राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड होगा वह हाइपोटेन्यूज कहलाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो कि बेटा ए बी क्वाड ऑफ दिस सर्कल है, सही बात, मतलब इस ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया निकालने के लिए हम फार्मूला प्लग करेंगे 1/2 बेस इनटू आल्टीट्यूड, बेस ट्रीट करेंगे हम बेटा ओ बी और आल्टीट्यूड ट्रीट करेंगे ओ ए, तो क्यों करना है बेटा, क्योंकि सेगमेंट का एरिया निकालना है एक्स बी का, वो एक्सप्रेसिबल है इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ए ओ बी एक्स जो हमने निकाला, और बेटा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी जो कि हमें निकालना है, फिर बेटा इक्वेशन स्टार में उन दोनों एरियाज को प्लग करेंगे, ठीक है, तो आल्सो यहां पे लिखेंगे हम आल्सो एरिया ऑफ
ट्रायंगल ए ओ बेटा बी, वो कौन नहीं जानता, वाई का वन हाफ हाफ बेस बेटा बेस आएगी ओ बी और अल्टीट्यूड रहेगा ओ ए बेटा, जो क्या आएगा बेटा हाफ ऑफ बेस बेटा 10, अल्टीट्यूड 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो यहां पे लिखेंगे इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बेटा होगा बराबर 5 10 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये इक्वेशन हम लिखने वाले हैं सेकेंड इक्वेशन, क्या लिखेंगे बेटा सेकेंड इक्वेशन। तो हमारे पास में आप एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भी है और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी है, हम क्या करेंगे यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इन स्टार कॉमा वी गेट। ठीक है बेटा, आगे जाएंगे तो उसके लिए बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। ठीक, तो बेटा ये चीज मैं यहाँ पे मौजूद रखूंगा, तो यहां से हमारे पास में क्या फॉलो होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इसको मैं रब करूंगा। ओके, तो चलिए बेटा मैंने इसको रब किया। ठीक, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे मैं एक लाइन लिखूंगा बिकॉज यहां तक बेटा प्रीवियस है, यहां से आगे मैं लिखूंगा बेटा, मैं लिखूंगा यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड सेकेंड इन स्टार इन स्टार। स्टार इक्वेशन हमने पहले लिखनी पड़ेगी, वो लिख के है यहां पे, उसके बाद में ये फॉलो होगा। ठीक है, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ये माइनर सेगमेंट है बेटा, एरिया माइनर सेगमेंट ए एक्स बी, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए एक्स बी इज इक्वल टू आएगा वो बेटा, इज इक्वल टू आएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ए ओ बी एक्स, ए ओ बी एक्स का एरिया क्या है इक्वेशन फर्स्ट वो देती है दैट 78.5। ठीक है, माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि बेटा 50 है, तो अब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां पे 5 tenths है, 5 tenths यहां पे कितने 0 tenths है, 0 tenths 5 - 0 दैट्स डियर स्टूडेंट्स, दैट्स डियर स्टूडेंट्स 5 ही, और उसके बाद में 8 में से 5 ठीक है तो 3 आएगा, डिसिमल यहां पे रहेगा तो 8 में से 5 तो 3 रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद में नहीं बेटा ऐसे नहीं, 5 - 0 वो बेटा 5 आएगा और उसके बाद में 8, 8 में से 0 तो 8 ही आएगा और फिर उसके बाद में 7 में से 5 तो 2 आएगा, तो ये आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ए एक्स बी। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे इम्प्लाइज दैट एरिया माइनर सेगमेंट ए एक्स बी इज इक्वल टू 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक बेटा, तो ये हमारे पास में माइनर सेगमेंट का एरिया है। अब हमें किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया मेजर सेक्टर कौन है बेटा, मेजर सेक्टर हमारे पास में है ए ओ बी वाई। अब इस माइनर सेक्टर का सेंट्रल एंगल थीटा था, मेजर सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल होगा वो थीटा डैश मान लेंगे हम, बोले बेटा थीटा डैश इतना है, थीटा 90 है, ये थीटा डैश प्लस थीटा ये तो कंप्लीट एंगल होगा ना बेटा, सर्कल के सेंटर पर कंप्लीट एंगल बनेगा, थीटा डैश प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, सही बात, थीटा डैश आएगा बेटा 180 डिग्री माइनस आएगा बेटा 360 डिग्री माइनस आएगा बेटा 90 डिग्री, वहां से हमारे पास में सेंट्रल एंगल ऑफ द मेजर सेक्टर मिलेगा। तो जो ही हमें सेंट्रल एंगल मिलेगा, रेडियस भी हमें मेजर सेक्टर का पता है वो बेटा 10 सेंटीमीटर है, तो हम अपनी फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो बेटा एक तरीका हो गया हमारे इस गिवन मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए। दूसरा तरीका ये है बेटा, हम एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो कि हमारे पास में है बेटा 78.5 ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, जाहिर सी बात है अगर पूरे सर्कल के एरिया में से हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे वहां से हमारे पास में आएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। दोनों तरीकों में से आपको एक तरीका यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक, तो चलिए आगे जाते हैं, लेकिन इस मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर का एरिया में यहाँ पे मेंशन करूंगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो आगे जाएंगे, अभी हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है बेटा, तो यहां पे मैं ये रब करता हूं, मैं लिखूंगा आल्सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर नहीं लिखेंगे वो बेटा नाम से पता चलेगा, ए ओ बी वाई डियर स्टूडेंट्स, ए ओ बी वाई एरिया मेजर सेक्टर ए ओ बी वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल
एरिया ऑफ सर्कल माइनस आएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दैट इज ए ओ बी एक्स, ए ओ बी एक्स, ठीक है बेटा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, तो यहां पे आएगा बेटा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल आएगा बेटा पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 3.14 और आर स्क्वायर किसके बराबर आएगा, दैट इज डियर स्टूडेंट्स 10 × 10 पाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। और माइनस क्या होगा, माइनस आएगा बेटा एरिया माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया AOBX का एरिया है 78.5, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कितना आएगा, फिर से बेटा ये 3.14 आएगा और मल्टीपल क्या होगा 10 × 10 दैट इज 100, तो ये आएगा 78.5, ठीक बेटा। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास में, दैट इज 314 और माइनस आएगा 78.5, ठीक बेटा। तो ये हमारे पास में यहाँ पे आएगा, तो इसको हमें अब सिंप्लीफाई करना है। देखिए बेटा हमें क्या करना है, यहाँ पे डिसमल नहीं है, डिसमल यहाँ पे होगा 4 के राइट में, फिर उसके बाद में 0 होगा, ठीक है। तो इसको मैं आपके लिए लिख सकता हूं ऐसे 314.0 माइनस आएगा 78.5। अब यहाँ पे भी टेंथस मैंने इंट्रोड्यूस किए जो कि 0 टेंथस है, और यहाँ पे कितने हैं टेंथस, 5 टेंथस, ठीक। तो इसको मैं आगे सिंपलीफाई करूंगा इस साइड से, ठीक। तो ये मेरा करता हूं यहाँ पे, ठीक। तो एरिया मेजर सेगमेंट यहां से चल रहा है बेटा, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा बेटा, 0 टेंथस में से 5 टेंथस निकालेंगे, नहीं निकलेगा, इसलिए यहां से 1 लाएंगे, यहाँ पे 10 टेंथस आएंगे, 10 टेंथस में से 5 टेंथस, तो वो कितना आएगा 5 टेंथस आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 5 टेंथस बेर आएगा बेटा डेसिमल, ठीक। यहाँ पे कितने टेंथस आए बेटा, 13 रहे, 3 रहा ना, ठीक है। तो 3 में से बेटा हम 8 नहीं निकाल सकते, ये इसको 1 देगा, ये 1 यहाँ पे आएगा, ये 13 आएगा, 13 में से 8, ठीक है, 13 में से 8 तो 5 आएगा बेटा, कितना आएगा 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 आएगा। अब यहाँ पे रहा क्या बेटा, 0 रहा, यहाँ से 1 बार करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्योंकि 0 में से हम 7 नहीं निकाल सकते, 10 में से 7 तो 3 आएगा, कितना आएगा बेटा 3 आएगा। और यहाँ पे रहा क्या, यहाँ पे रहा 2, क्या रहा बेटा 2, तो 235.5 ये हमारे पास में एरिया मेजर सेक्टर AOBY होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे implies that area major sector AOBY is equal to dear students 235.5, लेकिन क्या आएगा बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। और कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होगा रिगार्डिंग दिस वेरी क्वेश्चन, तो आप मुझे बता सकते हो। तो हाल फिलहाल के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।